मॉर्निंग खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राठौड़। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं नहीं बता रही इस व्लॉग में, अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो मम्मी पापा हमारे जयपुर शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं उनकी पैकिंग करवाने आई थी, तो हमारी पैकिंग भी हो गई है और आज हम निकलेंगे। और मैं एक ही सूट में आई थी, मैं कपड़े नहीं लाई, यही पहन के आई थी। यहाँ लोअर टी शर्ट पहन लिया, एक सूट लाई थी, बाकी यही वापस जाने के लिए पहन लिया। तो अभी हम 11:15 बजे, तो 1:15 बजे का बोल रहे हैं कि 1:15 बजे निकलेंगे। तो मम्मी पापा हमारे पास ही रहने वाले हैं वहीं पर। तो आज तो मतलब हम शाम तक पहुंचेंगे, उसके बाद मतलब इनका सामान वगैरह जचाने का काम। तो कल शाम तक मैं घर जाऊंगी, कल शाम तक जाती हूँ नहीं जाती वो भी पता चलेगा। तो अभी पहले हम जाएंगे मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर है। तो मैं 2 दिन से आई हुई हूँ, तो सब बोल रहे हैं शंकर भगवान के दर्शन तो करके आ जा। तो अभी नहा ली मैं और अब जाऊंगी शंकर भगवान के दर्शन करने। हेलो एवरीवन, तो कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था बट आगे व्लॉग बनाई नहीं, क्योंकि फिर कल पैकिंग वगैरह की, उसके बाद सामान को रखा गाड़ी में और सब आने लग गए मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मम्मी हमेशा से गाँव में रहें, अचानक से यहाँ जयपुर शिफ्ट कर रहे हैं, तो सब मिलने आने लगे। इस चक्कर में मेरे से व्लॉग बनाई नहीं। फिर शाम को आए हम, सामान उतारा, सामान को शिफ्ट किया, तो इतनी थकान हो गई थी तो मैं जल्दी सो गई। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और हम लग गए हैं काम करने में। मतलब हमने, मम्मी तो सुबह जल्दी उठ गए थे और मतलब सेट करने लगे सामान को। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी पापा अब जयपुर में ही रहने वाले हैं, क्योंकि अब पापा का भी गाँव में कुछ ऐसा है नहीं। और मतलब मम्मी और मैं, हम सोचे कि मतलब पास में आ जाते हैं, तो आपको दिखाती हूँ मम्मी पापा का घर, जो मतलब अभी तो रेंट में लिया है, तो रेंट में लिया है। दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा क्या घर है। कर रहे हैं सेट, अभी पूरा सेट नहीं किया है, एक रूम ये है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये बालकनी है। यहाँ मम्मी अपनी मतलब जो तुलसा वगैरह थी वो सब लेकर आए हैं, क्योंकि छोड़ कर नहीं आते इनको, तुलसा जी लाए हैं। यहाँ ये पौधा उगाया हुआ है वो भी लाए हैं। तो ये बालकनी है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इस वाले रूम में। तो इसमें ये गद्दा वगैरह हमने सेट किया है, अभी तो ऐसे मतलब एक बार का ऐसा कर दिया है, तो बाद में देख लेंगे। और ये है हॉल बड़ा छोटा सा, और ये ओपन किचन है, और ये है रूम। तो ऐसे ये छोटा सा रेंट पर लिया है अभी, क्योंकि ये 4 मेंबर है ये, तो इनके लिए सही है इतना सा, फिर कभी देख लेंगे। यहाँ शिफ्ट हो गए तो हमारे भी थोड़ा सा रिलीफ सा हो गया है, आप लोग समझ सकते हो कि बेटियों का मन कैसा होता है। तो हम भी ऐसे सोचते थे, अब तो मतलब मिलना भी हो जाएगा, हमारा सब हो जाएगा। तो अभी यही करने वाले हैं, थोड़ा सामान को और सेट करना है, वैसे तो ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा और है तो वो करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और वैसे मैं शाम तक जाऊँगी घर भी, क्योंकि मुझे 3-4 दिन हो गए आए हुए, तो मैं घर जाऊँगी शाम को। और यहाँ हम सब कर रहे हैं बातें, क्योंकि मायसा आ गए थे, इनका गांव मतलब जयपुर के पास में ही है, तो ये मम्मी से मिलने आ गए थे, तो हम सब बैठ के बातें कर रहे थे थोड़ी देर। हमारा काम वाम हो गया है और हमने आलू के पराठे भी खा लिए, क्योंकि रितू ने गर्मा गर्म हमें आलू के पराठे खिला दिए थे। और हम नहा धोना हो गए और काम भी ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि अब तो मम्मी करते रहेंगे, होता रहेगा। तो कल सुबह बस मैंने जो मम्मी के यहाँ करवाया शिफ्टिंग, उसके बाद हम मतलब मायसा वगैरह आ गए थे, मेरे मायसा और एक भाई आ गया था। तो हम रात को मतलब बातें बातें की, हमने लेट तक बहुत मस्ती की, रात को बना भी आने वाले थे, बोले कि मैं लेने आ जाऊँगा, बट उनको कोई काम आ गया इस वजह से वो आए नहीं, तो वो अभी आ रहे हैं, तो मैं भी जाऊँगी, क्योंकि मैं कल ही जाने वाली थी बट उनको टाइम नहीं मिला, और मेरे से कैब, यहाँ से कैब नहीं हो रही थी। तो फिर मायसा बोले रुक जा तू भी हमारे साथ एक रात, तो हमने भी रुक गए, अभी बना आ रहे हैं, तो अब जाएंगे घर। घर जाकर काम करना, मैं नहाई नहीं हूँ, बस ऐसे ही थोड़ी सी ड्राई क्लीन वगैरह मैंने कर ली है, क्योंकि नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सर्दियाँ धूल इतनी भयंकर वाली हो रखी है यहाँ, तो मैं सोचा घर जाकर नहा लेंगे। तो मम्मी का जो सामान था वो एक बार का सेट कर दिया, वो धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि एक अचानक तो मतलब होता नहीं है एक साथ, तो सारा अब धीरे धीरे करते हैं, वैसे सारा सेट हो गया है ऑलमोस्ट। तो अभी मम्मी बना रहे हैं सबके लिए पालक की पकौड़ी, भी बना भी आ रहे हैं, और जो रितु रवि बना है वो भी मतलब 2-3 गली छोड़ी, रितु यहाँ से मतलब पास में ही है, तो वो भी अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो माई सार भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगी घर, तो आज मम्मी पापा
तो अभी हम चल रहे हैं अपने अपने ठिकाने। बेगा बेगा आज मैं आ गई हूँ घर। बना गए थे मुझे लेने के लिए, फिर थोड़ी देर वहाँ बातें बातें की मम्मी ने, फिर उनके लिए बेसन की पकौड़ी भी बनाई, बट वो खाना जिम कर गए थे तो उन्होंने थोड़ी सी की जिमी। और अभी मैं आ गई हूँ घर, और आते ही मैंने बस थोड़े से काम किया, झाड़ू लगाई, मतलब बर्तन वगैरह साफ़ किए। फिर मैं जो कपड़े, मतलब गई थी उस दिन मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे अपने, तो वो कपड़े वॉश किए और नहाई, क्योंकि मैं वहाँ से नहाकर नहीं आई थी, वहाँ मुझे आलस आ रहे थे और सर्दी भी लग रही थी। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं यार, तो मैं नहाई। और वहाँ मेरे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, मतलब पता नहीं क्यों सबके नेटवर्क था, मेरे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। तो मैंने मतलब व्लॉग भी नहीं डाला, और कुछ मतलब और भी रील्स वगैरह भी करनी थी, तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। तो मतलब ऐसे ही पूरा दिन निकल गया पड़े पड़े। कल तक तो मतलब 2-3 बजे तक तो हम काम कर रहे थे, मम्मी का सामान वगैरह सेट करवा रहे थे, उसके बाद वो माई साहब वगैरह आ गए थे तो हम बातें करने लगे, तो उसमें निकल गया। फिर आज मैं आ गई, और अभी तो उनका मतलब मन कम ही लगेगा, लेकिन कोई नहीं, हो जाएंगे वो भी धीरे धीरे सेट। वो तो बोल रहे थे कल चले जाना, परसों चले जाना। मैंने सोचा थोड़ा मुझे भी सूटों का अपना वीडियो वगैरह बनाना था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, 1-2 दिन में वापस एक बार चक्कर निकाल कर आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा गांव से आए हैं तो मतलब मन कम ही लगेगा उनका, गाँव मुश्किल से छूटते हैं भाई। तो कोई नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे सेट, उनका भी मन लग जाएगा। तो अभी मैंने एक कुर्ती, इसका भी वीडियो डाला है, बहुत ही प्यारी कुर्ती आई है युक्ता फैशन पर। मतलब हम इसे, मतलब कोई हल्दी का नॉर्मल फंक्शन हो ना, कि पूरे दिन हम वो नहीं पहन सकते, कोई हैवी ड्रेस तो पूरे दिन पहन के घूम नहीं सकता, तो इस टाइप की ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है थ्रेड वर्क में। तो मैंने इसका भी वीडियो बनाकर डाला है। अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि थकान सी हो गई है और सर में भी दर्द हो रहा है थोड़ा, क्योंकि आ गई ऊपर और अपने लिए बना रही हूँ चाय। थोड़ी भूख भी लगी है, लेकिन बिस्किट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो बस चाय बना के पी लेंगे, शाम को ही खाएंगे खाना, क्योंकि मैंने वहाँ थोड़ी सी पकौड़ी खाई थी और कुछ खाया नहीं। मम्मी ने बोला खाना खा ले, लेकिन मैंने खाया ही नहीं। तो चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, तो कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो आज सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ पत्ते गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी बनाएंगे। हमारा खाना पीना सब हो गया है, बना गया है शादी में, मम्मी पापा ऊपर बैठे हैं तो मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं ये थोड़े से कपड़े हैं इनको फोल्ड करूँगी, क्योंकि ये धीरे धीरे सूखते हैं, तो ये थोड़े से कपड़े हैं इनको फोल्ड करूँगी और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी मैं आपको एक सूट दिखाने वाली हूँ, तो वो सूट मैंने बनवाया था जब मेरी पूजा दीदी की शादी थी, उस संगीत के लिए बहुत ही प्यारा सूट बनवाया था मैंने, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। वो थोड़ा सा ऐसे अजीब सा थोड़ा उसका ना कट कट से लग गए हैं, वैसे बहुत सुंदर लगता है, तो मैं ले आई जो कभी कभार पहन लेंगे, तो आपको भी दिखाती हूँ कैसा क्या सूट है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है, डबल शेड में ग्रीन और ऑरेंज के, देखो पूरा जरी का काम किया हुआ है, और नीचे कुछ ऐसा मिरर का सा काम किया गया है। तो ये तो है इसका लहंगा, और आगे दिखाती हूँ मैं। और ये इसकी कुर्ती, कुर्ती पर भी पूरा जरी का काम है, बहुत ही सुंदर लगा था ये पहनने के बाद। और ये इसकी ओढ़नी, ओढ़नी पर भी पूरा जाल है, पूरी ओढ़नी पर ये वाला काम है। तो मैंने सोचा ले चलते हैं, कभी कभार पहन लेंगे इसको, क्या ना मैंने खुद वॉश कर लिया था, इस वजह से ये थोड़ा अजीब सा हो गया।